डैम पे, तो नज़ारा बहुत ही हटके रहेगा, तो स्किप ना करें और वीडियो को। आश्रम के अंदर तक एंट्री नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे हम दोस्त लोग खाली पीली बैठ गए। रोहित आपको कुछ जानकारी देगा, तो लगे वो अभी हम आए हैं परमात्मा एक वाले आश्रम में। तो मेरे साइड में बैठे हैं रोहित भाई। तो क्या बोलना चाहोगे रोहित भाई? खर्रा खा लो जोर से। ये वाले आश्रम में सैटरडे को आश्रम भरता है, और यहाँ पे हनुमान का मंदिर है, यहाँ पे यात्रा भरती है, हनुमान का मंदिर है यहाँ पे, मटन मटन। तो ऐसा कहने को हमें सुनने को मिला है कि आपने यहाँ पे बहुत से एनिमल को पना दिए करके। हाँ सही है, वो पहले यहाँ पे थे कबूतर और कासव वगैरह और ससुर, और हाँ थे, बाकी के कुछ पता नहीं। ऐसे बोलते हैं कि आपने यहाँ पे हिरणों का शिकार करके उनकी संडस खाई है, उनकी मटन खाई है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो हमने बकरी खाई थी एक बार, इसलिए। अच्छा, बकरी को हिरण समझ के खाए थे? अच्छा, वो खाए थे लेकिन बाहर खाए थे, मंदिर में नहीं खाए थे। अच्छा, ये दोनों कौन है आपके साथ में? इधर के आश्रम में रहने वाले ही है। आश्रम में रहने वाले क्या? काम करते हैं यहाँ पे, ओ इसलिए उनको ये ज़्यादा जानकारी नहीं है, अभी नए नए लगे हैं। अच्छा, जॉब नहीं लगी तो अभी आश्रम में काम करने सिक्योरिटी का। तो आप क्या करते थे? मैं पंडित हूँ इधर। अच्छा, पंडित हूँ। हाँ, शक्ल से तो मरीज लग रहे हो? नहीं, मरीज तो हम शक्ल से कोई भी लगता है, लेकिन दिल से पंडित है हम। अच्छा, दिल से पंडित है। तो गाइस, आप देख रहे हो कि हमने भाई का इंटरव्यू लिया है। तो भाई ने बहुत से एनिमल को यहाँ पे मारा है, और अभी दो एनिमल मरने वाले, और उनके बारे में आपको बता दो। वो देखिए, हाँ वही, तो दो एनिमल अभी मरने वाले। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? अच्छा लगा। अक्षय भाई आपको कैसा लगा? बहुत ही लाजवाब लगा मेरे को। और भाई आपको? अच्छा प्लेस है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो मास्क वगैरह पहन के जाना पड़ता है। उधर का वो जो मेन वाला मंदिर है ना, हाँ, वहाँ से बंद है, नहीं तो अगर खुला रहता तो और अच्छा होता। अच्छा ठीक है। तो भाई, तीनों भाइयों में से नीली शर्ट वाले भाई ने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया। तो एक तो एनिमल ही दिखता है। गाइस, अभी लॉकडाउन की वजह से ये बंद है, तो और काम भी चालू है अंदर, तो हम ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। तो जितना कर पाए उतना हम दिखाएंगे। तो गाइस, अभी आया हूँ मैं अपने पुराने बचपन के घोड़े को मिलने को। तो ये रहा वो, दिख रहा होगा। हाय हॉर्सेस। तो ये है फॉक्स। तो गाइस, यहाँ पे दोस्त लोगों की डिमांड थी कि तैरते करके पानी में, तो मैंने बोला कि नहीं यार, नहीं तैरते, क्योंकि यहाँ पे हगने वाले की कमी नहीं है, और हग के इतना हग देते कि क्या पता कि उनके हगले का कीड़ा जो रहता है वो हमारे मुंह में चला जाए। डेंजरस प्लेस। तो ये जब मिला था हमको एक डबर। सो गाइस, किला आ चुका है, हगला घाटी बेस्ट प्लेस है, ऐसा हट्टी का साला घुमा रहा है इधर से। गाइस, अभी हम इस जगह पे आए हैं, इस जगह का नाम है हगला घाटी। तो ये हगला घाटी में जहाँ देखो वहाँ हगले ही हगले दिख रहे हैं, और ये तीन मेरे दोस्त हैं। और भाई लोग कुछ बोलना चाहोगे इस घाटी के बारे में? सो इन लोगों ने कुछ गाली वाले वर्ड यूज़ किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी देते हो। सो इसका नाम है हगला घाटी। देख लो, जहाँ भी देखोगे पूरे हगले दिखेंगे आपको, लाल लाल लेडीज के, जेंट्स के। रोहित भाई इधर देख,